यो भूतंच भव्यंच सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, भगवान शिव द्वारा निर्दिष्ट धर्म के लक्षण शम की चर्चा कर रहे थे और जैसा कि बताया कि ये लक्षण केवल साधु संन्यासियों, ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थियों के लिए नहीं है, प्रत्येक गृहस्थ के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म का उपदेश चल रहा है। ये कल हमने चर्चा की थी कि जब मनुष्य ये सोचता है कि मैं आत्मा हूं तो इंद्रियों को अपना दास मानता है, मन को भी अपना दास मानता है, लेकिन वो ये सोच रहे कि मैं शरीर हूं तो वो उनका दास बन जाता है, इंद्रियों का और मन का। आज अधिकांश लोग यही सोचते हैं कि मैं शरीर हूं, मरने के बाद कुछ नहीं हुआ। कभी एक संप्रदाय संसार में आया था, उसको कहते हैं चार्वाक। उसकी घोषणा थी, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे ऋण लेके घी पियो, क्योंकि मरने के बाद कोई नहीं आता। एक बार मैं मथुरा में छत्ता बाजार में से निकल रहा था, जब मैं मथुरा पढ़ता था तो एक घी की दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा था कि ऋण लेके घी पियो। मैंने उस समय सोचा कोई से आया नहीं ऋण लेने वाला, घी लेकर के पैसा वापस नहीं देगा तो ये बोर्ड उतार लेगा। उसके बाद देखा उसका बोर्ड गायब था। उसने लिखा ऋण लेके घी पियो, ऋण ले गया होगा, वापस दिया नहीं होगा। तो उस समय चार्वाक संप्रदाय को बहुत बुरा माना जाता था। अच्छा, ये भी क्यों पैदा हुआ? ये इसलिए पैदा हुआ कि उससे पहले आत्मा परमात्मा मानने वाले पशुओं की बलि चढ़ाते थे, उनके पांच मकार चल रहे थे, मद्य, मांस, मछली खाना, मांस खाना, पैसा कमाना, शराब पीना और दुराचार करना, ये पांच चीजें थी उनकी, ये पांच पूजा कहलाती थी। पशुओं को, मनुष्यों को आग में झोंक बलि उनकी भेंट चढ़ाई जाती थी। तब चार्वाक मत का उदय हुआ था। सारे संप्रदाय एक दूसरे की प्रतिक्रिया में जन्मे हैं। तो चार्वाक ने कहा कि जब मरने से स्वर्ग मिलता है बलि चढ़ाने से, तो अपने माँ बाप को क्यों नहीं चढ़ाते। तब उससे लगा कि अगर ईश्वर ऐसा है, अगर धर्म ऐसा है, तो ऐसे धर्म की, ऐसे ईश्वर की संसार को कोई आवश्यकता नहीं। तो नास्तिकों को जन्म छुपे हुए नास्तिकों ने दिया, अर्थात झूठे आस्तिकों ने दिया। आज भी झूठे आस्तिक बहुत हैं, वास्तव में वो अंदर से नास्तिक हैं। जितने भी धर्म के नाम पर आडंबर चल रहे हैं, अर्थात जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं, उनकी झूठी मान्यताओं ने ही, उनकी झूठी आस्थाओं ने, उनके झूठे विश्वासों ने ही संसार में नास्तिकता को पैदा किया। अब ये नास्तिकता इतनी बढ़ चुकी है कि पहले एक चार्वाक था, अब तो सब जगह चार्वाक ही दिखाई देता है कि जब तक जियो सुख से जियो, मरने के बाद कोई नहीं आता, ऋण लेके घी पियो, सब जगह ऋण बांटे जा रहे हैं। और उस ऋण ने हमारे मन को चंचल बना दिया, हमारी इंद्रियों को चंचल बना दिया, क्योंकि जब ऋण मिल रहा है तो वो सोचता है फिर मैं हर इंद्रिय से उपभोग करूं। ऋण नहीं मिलेगा तो आदमी अपने खर्च में कमी करेगा, लेकिन ऋण आसान मिल रहा है, बिना ब्याज के मिल रहा है, तो फिर ऋण लेने से क्यों चूके। जैसे चार्वाक कहता है मरने के बाद कोई नहीं आता, वैसे हमारे यहां क्या सोचते हैं, ऋण लेने के बाद क्या पता सरकार माफ कर दे, इसलिए लो कोई योजना आएगी
और सरकारें राजनीतिक पार्टियां भी वोट लेने के लिए माफी की घोषणा कर देंगी, तो हमारे मजे। ये आनंद नहीं है, सुख का मार्ग नहीं है, ये दुख का मार्ग। जिसको सुख से रहना है वो अपने इंद्रियों को वश में करे, अपने व्यय में कटौती करे। मनुष्य रोटी खाता है लेकिन खाने के ना दूसरा खाने के नाम पर कितना खर्च करता है। मनुष्य कपड़ा तन ढकने के लिए पहनता है, गर्मी और सर्दी से बचाव के लिए पहनता है, लेकिन कपड़ों पर कितना खर्च करता है। पैरों की सुरक्षा के लिए जूते पहनता है, लेकिन जूतों के लिए कितना खर्च करता है, क्योंकि ऋण मिल जाता है। कभी भी ऋण की अपेक्षा ना करें, कभी भी किसी से लेने की अपेक्षा ना करें, क्योंकि इससे हम अपने मन और आत्मा को खराब कर रहे होते। इंद्रियजय वही हो सकता है जिसने अपने आवश्यकताओं को कम कर लिया, जितना कम हो सके करें। केवल स्वास्थ्य का ध्यान रहना चाहिए, अन्य कोई आवश्यकता की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जो केवल दिखावे के लिए होती है। आज भोजन का तो खर्च रहा ही नहीं है, जो भोजन जिससे शरीर बनता है उसका कोई खर्च नहीं, जिससे शरीर बिगड़ता है उसका खर्च है। चाय का खर्च, बीड़ी का खर्च, गुटखे का खर्च, अफीम का खर्च, शराब का खर्च, मांस का खर्च, फास्ट फूड का खर्च, और जितने भी व्यंजन हैं स्वादिष्ट महंगे उनका खर्च, और वो सारे शरीर को बिगाड़ने वाले हैं। बनाने वाली रोटी सब्जी दाल चावल दूध दही घी है तो उस पर खर्च बहुत कम होता है। बाजार में जाके देखो, शहरों में जाके देखो कितना खर्च होता है। क्यों? क्योंकि इंद्रिय उनकी बस में नहीं है। जीव जिस दुकान पर ले जाना चाहती है, जिस होटल पर ले जाना चाहती है, उसी पर ले जाती है, और हम उसके पीछे पीछे जाते हैं। हमें इतनी क्षमता नहीं है कि उसको हम रोक सकें। आंख जो कहती है वो कराती है, क्यों? हमें क्षमता ही नहीं हम रोक सकें। कान जो कहते हैं वही सुनाते हैं, हमें क्षमता ही नहीं रोकें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमें अपना सत्व का बोध नहीं। जैसा कि मैं कल कह रहा था, अच्छा जरा विचारें कि जब हमें किसी चीज की इच्छा होती है, जो हमारी कोई इंद्रिय परेशान करती है और उसकी पूर्ति नहीं होती, तो क्या होता है फिर? क्रोध आता है। अगर किसी की इच्छा हो रही हो कि उसे मिठाई खानी, और मिठाई नहीं मिल रही, तो क्या होगा? शरीर में बेचैनी होगी, क्रोध आएगा, निराशा होगी। तो कितनी तरंगें पैदा हुई एक इंद्रिय ने, कितनी तरंगें पैदा कर दी? निराशा शोक की तरंगें, क्रोध की तरंगें, और रसना से जो तरंगें निकल रही हैं स्वाद के लिए, वे तरंगें। ऐसे ही कान से जो सुनना चाहते हैं, कई तो देखते होंगे अखबार में कि मोबाइल माँ ने नहीं दिया तो माँ की हत्या कर दी बेटे ने। एक बार पेपर में पढ़ा था, दिल्ली में 15-16 वर्ष का बच्चा मोबाइल खरीदने के लिए हट कर रहा था, माँ ने नहीं दिया तो माँ को मार दिया। इस घटना के पीछे अगर हम विचार करें, लोग कहते हैं ना वैदिक फिजिक्स का है इसमें, यही तो फिजिक्स है। वो फिजिक्स सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और गैलेक्सियों की बातें हैं, ये गैलेक्सी है अंदर, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। वे ये नहीं सोचते हैं कि जमीन पर चलना नहीं आता, वो गैलेक्सी में उड़ना चाहते हैं। ऐसा क्योंकि गैलेक्सी में उड़ना बाद में होगा, पहले जमीन पर चलना सीखो, अपना शरीर देखो, अपने शरीर में क्या क्या हो रहा है, ये भी तो फिजिक्स है। इसको कहते हैं बायोफिजिक्स, और बायोफिजिक्स जो बताती है उससे हम बहुत गहराई का बताते हैं। बायोफिजिक्स यही तो बताती है कि शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। लेकिन बायोफिजिक्स की दौड़ आयंस तक है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे पीछे बायोफिजिक्स नहीं जाती, क्योंकि और विषय आ जाएगा वो प्योर फिजिक्स में आ जाएगा, पार्टिकल फिजिक्स में आ जाएगा, वो बायो से हट जाएंगे। लेकिन हम पार्टिकल फिजिक्स से पीछे की बात कर रहे हैं। तो जब हम
किसी भी इंद्रिय के द्वारा परेशान हो रहे होते हैं, तब देखिए, जैसे मान लीजिए हम ईर्ष्या ईर्ष्या में जल रहे हैं, हमें किससे ईर्ष्या हो रही है, वो आदमी पर धन ज़्यादा है, वो आदमी हमसे सुखी है, वो आदमी हमसे बलवान है, वो आदमी हमसे बुद्धिमान है, अब यही सोचता रहता है। ये सोचता रहने से क्या होगा, उसके अंदर ईर्ष्या के साथ साथ क्रोध पैदा होगा। वो क्या सोचेगा, ये मर जाए तो मैं अच्छा हूँगा। मन कैसे शांत करता है और मन इंद्रियां कैसे शांत करती हैं, ये थोड़ा देखिए। जो सुख दुख हैं बहुत कुछ मनोदशा पर निर्भर करते हैं। एक व्यक्ति विकलांग है, चल नहीं पा रहा, बैठा सोच रहा है कि इस रोड पर जो चल रहे हैं इनके दोनों टांगे हैं, दौड़ रहे हैं, कितना अच्छा होता कि मेरे भी टांग होती, दौड़ नहीं सकता तो चल ही लेता धीरे धीरे, तो भी कितना अच्छा होता, तो मुझे कितना सुख मिलता। चलो उसको टांग भी मान लो ठीक करा दी किसी ने, लेकिन दौड़ा नहीं जा रहा, चल लेता है, दो चार दिन तो अच्छा लगेगा, बहुत सुख मिला। फिर उसके पास से कोई दौड़ता हुआ निकल गया, ये ब्रह्मचारी महिव्रत व्यायाम करते दिखाई दिए, तो क्या सोचेगा, ये चलने से क्या होता है, मैं व्यायाम तो कर नहीं पा रहा, मैं दौड़ नहीं पा रहा, ये न हो मेरे जैसे सब हों तो अच्छा रहे, मेरे से आगे कोई ना रहे। चलो दौड़ने भी लग गया, फिर कोई साइकिल लेके निकला तो सोचता मेरे पास साइकिल होती तो कितना अच्छा होता। साइकिल खरीदी, दो चार दिन अच्छी लगी, नई है, बहुत बढ़िया है, चढ़े, फिर कोई मोटरसाइकिल ले आया तो साइकिल भी दुख देने लग जाएगी उसको। मोटरसाइकिल के लिए जोड़ तोड़ करेगा, कहीं से कर्ज लेगा, कहीं चोरी करेगा, मोटरसाइकिल ले आए, फिर कोई कार लेके निकला तो मोटरसाइकिल भी दुख देने लग जाएगी। अर्थात इस सुख का कोई पैमाना नहीं है। ईर्ष्या से कार वो न तो उसको मोटरसाइकिल दुख दे रही है, न साइकिल दुख दे रही है, न पैर दुख दे रहे हैं, उसको दुख दे रही है ईर्ष्या, जो दूसरों को देख करके जल रहा है। जब दुर्योधन राजसूय यज्ञ से आया था तो मैंने एक बार बताया था कि मैं जल जाऊं, मर जाऊं, फिर आके हस्तिनापुर में आता है तो शकुनी धृतराष्ट्र से कहता है कि महाराज दुर्योधन बहुत दुबला हो गया है, उसका शरीर पीला पड़ गया है। क्यों पीला पड़ा? ईर्ष्या के कारण। तो ईर्ष्या के कारण ये बायोलॉजी के लोग जाने, मेडिकल साइंस के लोग जाने, फिजियोलॉजी के लोग जाने कि ईर्ष्या के कारण शरीर में किन किन हार्मोन्स की उत्पत्ति होती होगी और ये हार्मोन्स हमारे शरीर के कौन कौन से अंगों को प्रभावित कर रहे होंगे। इसी प्रकार से क्रोध में भी, इसी प्रकार से शोक में भी, इसी प्रकार से घृणा की आग में भी, यही तो फिजिक्स है, शरीर की फिजिक्स ये है। तुम क्यों हार्मोन्स पैदा कर रहे हैं, स्वयं जल रहे हैं, दूसरों को जला रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने सोचा है कि हमारा जीवन ये अंतिम जीवन है। अंतिम क्या मतलब, पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा, यही जीवन है, हम शरीर हैं, इसलिए शरीर की तुष्टि के लिए, शरीर की रुचियों की पूर्ति के लिए हमें जो करना वो करना चाहिए। संसार में रुचियों ने संघर्ष कराए हैं, विश्व युद्ध कराए हैं, खून की नदियां बही रुचियों के कारण। हित कभी किसी के नहीं टकरा सकते, रुचियां टकराती हैं, लेकिन आज रुचियों के नाम पर स्वतंत्रता की बात की जाती है। रुचि हमारी रुचि है, हमारी इच्छा है, इच्छा को अधिकार बना लिया। जिस दिन इच्छा अधिकार बन जाएगी उस दिन संसार में रक्त भरी क्रांति आएंगी और वो हो रहा है। मेरी इच्छा है, मैं ऐसे जीना चाहता हूं, तुम्हारी इच्छा है, तुम अपनी तरह से जियो, तो टकराव होगा विचारों का। रुचियां टकराती हैं, झूठ टकराते हैं, न कभी सत्य टकराता है, न कभी हित टकराता है, और सत्य और हित
की बात वही कर सकता है जिसने अपने को आत्मा मान लिया है, जिसने परमात्मा को भी मान लिया है, जिसने उसकी व्यवस्था को भी जान लिया है। क्योंकि मेरे हित में सबका हित है और सबके हित में मेरा हित है। व्यक्तिगत हित की जो ऋषि दयानंद ने बात किया कि प्रत्येक हितकारी कार्य में सब स्वतंत्र रहें, जैसे मैंने कल बताया था कि मुझे कोई फल मेरे लिए हितकारी है लेकिन हो सकता है किसी और के लिए न हो, पर उसमें यह सोचना जो मेरे लिए हितकारी है वह दूसरे के लिए अहितकारी न हो तो लेना, नहीं तो नहीं लेना। मेरे लिए हितकारी है उसके लिए भी, जैसे हम क्या सोचेंगे मेरे लिए हितकारी है फल लेना तो किसी के खेत में से चुरा के खा ले क्योंकि मेरे लिए हितकारी है, ऐसा नहीं। क्यों? कि वह हितकारी दूसरे के लिए अहितकारी हो गया। और दूसरी बात, चोरी करने का पाप भी तो लगा तो मेरे लिए हितकारी भी कहाँ रहा, फल खाना भी हितकारी नहीं रहा, चुरा कर मेवा खाएंगे तो वह भी हितकारी नहीं रहा। संभव है शरीर बलवान बन जाए पर मन और आत्मा कभी बलवान नहीं बनेंगे चोरी का खाने से। तो स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्वस्थ का अर्थ यह नहीं होता कि शरीर से बलवान, स्वस्थ अपने में स्थित, जहां हर इंद्रिय अपने अपने कार्य में स्थित हो, आत्मा अपने में स्थित हो, मन अपने में स्थित हो, इंद्रिया अपने में स्थित हो, बुद्धि अपने में स्थित हो, सब बैलेंस हो और सबका स्वर अलग अलग चले तो वो हित नहीं है, वो स्वस्थ नहीं है। शरीर बलवान है लेकिन मन अशांत, मन में राग द्वेष क्रोध काम सब भरे हुए हैं तो वो स्वस्थ नहीं है। तन दुरुस्त है, मन दुरुस्त नहीं है। तन दुरुस्त में और स्वस्थ में बहुत अंतर है। उर्दू में मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता कोई अर्थ शब्द हो लेकिन वहां तन दुरुस्त बोला जाता है, तन दुरुस्त, लेकिन स्वस्थ इतना नहीं है। सभी इंद्रिया मन बुद्धि आत्मा शरीर सबका संतुलन हो तो वह है स्वस्थ। और सबके संतुलन वाला व्यक्ति ढूंढने से भी संसार में नहीं मिले, सब कुछ बैलेंस। एक उच्च कोटि का योगी ही स्वस्थ हो सकता है इस परिभाषा में। तो आज विषय ये कि जब हम अपनी इंद्रियों के दास बन रहे होते हैं तब हमारे शरीर में बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारे हार्मोन स्रवित हो रहे होते हैं। और वो हार्मोन सबसे पहले तो मस्तिष्क हृदय को प्रभावित करते हैं। किसी में भी देखिए हृदय तेज धड़कने लगेगा, मन में अशांति हो जाएगी। और इन दोनों के रहने से फिर क्या होगा, पूरा शरीर धीरे 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 रोगों से ग्रस्त होता जाएगा, पूरे शरीर पर प्रभावित करेगा। मन ने सुना शोक समाचार, हृदय कैसे बंद हुआ, हार्ट अटैक कैसे हो गया। विचार ने, शोक की तरंगों ने, हमने कोई हृदय में कोई गोली थोड़ी मारी थी, लेकिन विचार की तरंगों ने, शोक की तरंगों ने हृदय को खत्म कर दिया। और हृदय समाप्त होगा तो क्या होगा, सारा शरीर। तो इसलिए हम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा के अनुकूल सभी इंद्रियों और मन को चलाने का प्रयास करें, और ये निरंतर अभ्यास का विषय है। कल अंतिम इंद्रिय पे बोलेंगे काम, ब्रह्मचर्य। ये इंद्रियां सभी बैलेंस हो गई तो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आसान है, और ये बैलेंस नहीं रही तो फिर कोई ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। इनका इनका दास बन करके, आँख का, कान का, जीव का, इनका दास बन करके कोई कभी ब्रह्मचारी नहीं रह सकता। तो अगली चर्चा कल, आज इतना ही। ओम शम।